गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। की जय। जय हो। जय हो। बोलो जाम सरधाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय श्री मादी सत्संग। चलिए सब भाई बहनों को बहुत बहुत जय श्री गुरुदेव। शाम का समय गुरुदेव के ध्यान के बाद गुरुदेव के सिद्धि योग से परिवर्तन की बात करते हैं हम लोग। और कोई प्रश्न रहे कुछ अनुभव रहे तो उस पर चर्चा होती है। गुरुदेव का सिद्धि योग बहुत ही सहज बहुत ही सरल है। उसमें सिर्फ नाम जाप ही करना होता है और दो समय ध्यान करना होता है। जितना हो सके नाम जाप हो जितना हो सके उसी से ही पार पड़ती है। बाकी सब तो गुरु कहते हैं किया कराई है करना कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ नाम जाप ही करना है तुमको और हमको। नाम जाप कर रहे हैं हम लोग और हमारे अपने अपने धीरे धीरे अपने अपने परिवर्तन है। और कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए कुछ नहीं, बस सरल भाव से गुरु के सामने जैसे हम रोज़ सांझ बत्ती करते हैं, रोज शाम को दिया दिखाते थे बैठते थे, कोई ख़ास उम्मीद रहती नहीं थी भगवान से कि भगवान हमारी ज़िंदगी को चेंज करेंगे। बस हाँ रूटीन है जी, वो शाम को होता है ना सारी घर की लाइटें जला दो, शाम को अंधेरा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए अंधेरा ये पता नहीं। और सुबह उठे तो सुबह नहा धो के पहले भगवान को नमस्कार करो, चलो उम्मीद कोई नहीं। लाइट घर में जली जीवन में नहीं जली कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सुबह सुबह प्रणाम भगवान को किया, ज़बरदस्ती किया, वहाँ कोई उम्मीद नहीं थी हमें, क्योंकि भगवान थोड़ा सा सख्त है इसलिए हमें वहाँ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हम करते रहे बहुत समय तक। और जब गुरु प्राप्त हो जाए तो पता है कि गुरु तो करुण है, फिर हम नाराज़ हो जाते हैं, मुझ में बदलाव क्यों नहीं दे रहे, मेरे से मुझे क्रिया क्यों नहीं दे रहे, मुझे बंद क्यों नहीं लगा रहे। अच्छा भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं की, हाँ करते हैं लोग फ्रस्ट्रेट होकर भगवान से भी शिकायत करते हैं, लेकिन उनको पता है कि ना तो उसने प्रार्थना सुननी है ना उसने हमारी लड़ाई सुननी है, लेकिन गुरुदेव से उम्मीद रखते हैं सारे कि गुरुदेव हमारी प्रार्थना सुनेंगे, गुरुदेव से हम लड़ लेते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं कि इसको तो हो रहा है उसको तो हो नहीं रहा। भगवान के विषय में नहीं कभी कहते कि इसको दे दिया घर बंगला गाड़ी मुझे नहीं दिया। अच्छा कहने वाले कह भी देते हैं फिर वो भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग नाउम्मीद ही हैं भगवान से, लेकिन फिर भी अपना फ़र्ज निभाते रहते हैं, उसको नमस्कार करते रहते हैं, कहीं कहीं उसको याद कर लेते हैं, कभी कभी मंदिर चले जाते हैं। मंगलवार को हम चिकन नहीं खाते भाई, अंडा खा लेते हैं, चिकन नहीं खाते। शनिवार को तो हम अंडा भी नहीं खाते तो अपने अपने रूल हैं भगवान को देवताओं को खुश करने के लिए, लेकिन प्रभाव कुछ नहीं पड़ा जीवन में, फिर भी करते गए। बचपन से शनिवार का पालन किया, बचपन से मंगलवार का पालन किया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कर रहे हैं फिर भी, कई सालों से कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, कई साल हो गए, कई वर्ष हो गए। लेकिन जब गुरुदेव को हम करते हैं तो फिर गुरुदेव से हम थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं कि चार दिन हो गए मुझे तो कोई क्रिया नहीं हुई, कोई दम नहीं है, मुझे तो साल हो गया, मुझे तो 4 साल हो गए, या मुझे इतने वर्ष हो गए मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो ये अगर इसको सूक्ष्म रूप से देखें तो हम लोग ये मानते हैं कि गुरु सुनता है, इस गुरु में है ये सुनेगा। और सबसे ज़्यादा उम्मीद किस लिए है, अगर वो अदृश्य होता हिमालय में बैठा होता कभी ना मिला होता, बस ऐसे गुरु आ जाता। शिव भी तो गुरु हैं, कृष्ण भी तो गुरु हैं, लेकिन उनमें ऐसे गुरु श्रद्धा नहीं होती,
लेकिन जब हमारे सामने कोई आए, हमारी उम्मीद जगाए हमारे जैसा, तब हमारी उम्मीद बढ़ जाती है। और क्योंकि इसलिए बढ़ जाती है कि अगर हमारे जैसे होके ये गुरु बन सकते हैं, हमारे जैसे होके, हमारा जैसा शरीर रख के, हमारे जैसे खान पीन करके, हमारे जैसे जैसे हम फंसे हुए माया में, ऐसे फंसने के बाद भी वो अपने आप को निकलने का तरीका जानते हैं और बता सकते हैं, तो हमें निकाल लें। लेकिन बात ये है कि निकलेगा कौन, आगे कौन जाएगा? तो फिर गुरु गुरु तो बेचारा सिंपल सा है, वो लौटाता रहता है, देता रहता है सब कुछ। शिष्य के अपने अपने चश्मे हैं, किसी को दूर का दिखता नहीं, किसी को पास का दिखता नहीं, तो अपने अपने चश्मे हैं सबके। वो निकलने में समय लग जाता है। जब तक गुरु की आंतरिक छवि नहीं प्रस्तुत होती, तब तक बहुत मुश्किल होती है। रिसेंटली एक गुरु भाई हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा। मैसेज भेज के मैं आज तक सोच रहा हूँ उस मैसेज के बारे में क्या रिप्लाई दूँ। 2 दिन हो गए, अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिप्लाई क्या दूँ। हालांकि गुरु भाई को लगता होगा कि 2 दिन हो गए, इसने तो जवाब ही नहीं दिया, पढ़ा नहीं, या फिर जवाब है नहीं, क्या जो भी है, जवाब तो है। और लेकिन मुझे कई बार समझ नहीं आता कि मैं कैसे अपनी बात को रखूं। अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो, वैसे तो मैं कोई विशेष नहीं हूं कि हर जगह अपनी नाक घुसाऊं अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो मुझे बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब बात जो करनी है वो थोड़ी गंभीर, कई बार ऐसा कहना पड़ता है कि थोड़ी गंभीर, आप उस गंभीर बात को अगर आप ना कह पाओ तो भी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म है गुरु का पथ। सारी पूजाएं आप बाहर करो, आपको कष्ट नहीं होगा। बाहर की पूजा में आपको जो कष्ट होगा वो आप खुद लोगे। जैसे सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको राम राम का जाप करना है, एक ही आसन पे बैठ के दिया जलाते जला के स्ट्रेट होके बैठना है, बैठना, हिलना नहीं, आसन नहीं बदलना, उसी आसन में बैठना है। तो आपको पता है कि 4 बजे तक मेरे पैर पैर अकड़ जाएंगे, पीठ दर्द होगी, जी करेगा लेट जाऊं, थोड़ा सा अंगड़ाई ले लूं, तो वो आपका है, उसमें इससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। और राम राम का नाम जप लो या किसी का भी नाम जप लो, वो डिपेंड करता है फिर, क्योंकि हम बाहर मुखी होते हैं और राम तो सूक्ष्म तत्व है तो घट घट के वासी हैं, लेकिन है तो सूक्ष्म तत्व, तो उसमें बाहर से है। लेकिन गुरु वाला चक्कर जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। गुरु का रास्ता ही कांटों वाला रास्ता है, आसान नहीं है। हम जितने भी साधक हैं, हम सब जिस रास्ते पे आए हैं इस पे, लेकिन बदलाव निश्चित है। ये रास्ता डिफिकल्ट है, कांटों पे चलने जैसा है, लेकिन इसमें बदलाव निश्चित है, गारंटिड है कि बदलाव आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट अपने आप से जुड़ जाते हैं गुरु के माध्यम से। और जब हम अपने आप से जुड़ जाएंगे तब हम अपना बदलाव खुद कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को देख सकते हैं हमें बदलाव करना कहाँ है। बदलाव 100% निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है कि बदलाव नहीं आता, लेकिन पथ डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा जड़ता, बहुत मुश्किल है जड़ता से निकलना, तामसिकता से निकलना, अंधकार से निकलना, रास्ता ही नहीं दिखता शुरुआत में तो बहुत मुश्किल है पथ, बहुत मुश्किल है। हम जितने भी जुड़े हुए हैं गुरुदेव से, जिस भी भाव से हम कभी जुड़े हैं गुरुदेव से, यही सोच के जुड़े हैं कि हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और हमें मोक्ष मिलेगा या फिर हमें जीवन में शांति मिलेगी। जीवन की शांति तक पहुंचने के लिए बहुत सारी अशांतियों को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। शांति वैसे ही प्रकट नहीं हो जाएगी कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तो एक दिन अचानक से शांति प्रकट होगी। शांति पे आवरण है, उस आवरण को हटाना ही अशांति को हटाना है। तो मेरा परिचय अशांति के साथ होगा। शांति कोई अलग वस्तु नहीं है या अलग कोई तत्व नहीं है। अशांति और शांति दो अलग तत्व नहीं है, एक ही तत्व है, वह है शांति। अशांति तत्व है नहीं, तो मैं शांति की ही खोज में हूँ, लेकिन आवरण है उसके ऊपर में। अब मैं खोजने जाऊँ शांति तो मुझे मिलेगी नहीं शांति, क्योंकि मैं समझूँ तो शांति तो बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी, बड़ी
मन की बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, तो मुझे तो वो चाहिए। लेकिन मैं तो व्याकुल रहता हूँ, मैं तो बीमारियों से ग्रस्त रहता हूँ, मेरा तो ध्यान नहीं लगता, या मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, मेरा कुछ बन नहीं रहा, मुझे गुरुदेव देख नहीं रहे, मुझे तो शांति दूर दूर तक दिखती नहीं, दिखेगी नहीं, किसी को भी नहीं दिखती शांति। शांति डायरेक्ट है ही नहीं कहीं, उसके ऊपर जो शांति का आवरण है वो हमें हटाना है। तो हमें पता क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अशांति क्या है। जैसे ही पता चलेगा अशांति ये है और इसका सोर्स ये है, तो हम उस सोर्स को हटाएंगे। जब उस सोर्स को हटा देंगे तो उस सोर्स से जो अशांति का जो जाल प्रकट हो रहा है, शांति के ऊपर में जो जाल प्रकट हो रहा है, वो जाल हट जाएगा, वो चादर हट जाएगी। तो वो चादर हट जाएगी तो सामने जो प्रस्तुत होगा वो शांति होगी। तो इसका अर्थ बड़ा सीधा है कि पथ अशांति का ही होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक में अशांति तो कुछ होती ही नहीं, सब कुछ तो शांति होती है। वैराग्य ही होता है, लालच तो कुछ होता ही नहीं है। वैराग्य के ऊपर लालच की चादर होती है। तो अगर मुझे वैराग्य चाहिए तो मेरे सामने लालच प्रस्तुत होना चाहिए, ताकि मैं उसको चादर को हटाऊं और अंदर देखूं उसके अंदर वैराग्य है। मेरे सामने अशांति प्रकट होगी तो मैं चादर हटाऊंगा तो देखूंगा शांति है। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि उजाला है, अंधकार नहीं है। मुझे अगर अपने जीवन में अंधकार दिखता है, उजाला नहीं दिखता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे उजाले की खोज में कहीं जाना पड़ेगा। इसका सिंपल सा अर्थ है कि मैं अंधेरे को ख़त्म करूं, तो मेरा सामना अंधेरे से होगा, क्योंकि मुझे उसे ख़त्म करना है, और उसे ख़त्म मैं तब कर सकता हूं जब मेरे पास प्रकाश हो, सच्चाई हो, अपनी खुद की कन्फ्रंटेशन कर सकूं, अपना खुद का स्वाध्याय कर सकूं कि अंधकार का सोर्स क्या है। तो अंधकार कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आवरण है। ना तो मुझे प्रकाश की तलाश चाहिए करनी है, ना तो मुझे संतोष की तलाश करनी है, ना मुझे शांति की तलाश करनी है। एक्चुअल में मुझे तो कुछ भी नहीं, ऐसी कोई सुखद चीज़ की इस तलाश में जाना ही नहीं है। वो सारी सुखद चीज़ें, सारी की सारी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी हैं, हमेशा थी, हमेशा रहेंगी। उनके ऊपर सिर्फ एक आवरण चढ़ा हुआ है, तीन आवरण है उसके ऊपर, तीन ऊर्जाओं के आवरण है। एक है अंधकार, एक है कि मैं, और दूसरा है कि सब बढ़िया है। वो भी एक तरह से सात्विकता है, तो प्रकाश है, लेकिन उसमें भी कर्म बोध है, और जहाँ कर्म बोध है फिर वहाँ पर अशांति है। उस समय शांति फील होगी उसको करते समय, लेकिन उसका परिणाम फिर बाद में वो ख़त्म हो जाएगी चीज़। कर्म कर्म फल है, कर्म किया उसका फल मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा वो। तो तीनों आवरण हटाने पड़ेंगे आपको, अगर आपको सच्ची शांति की तलाश है, सच्चे संतोष की तलाश है, सच्चे वैराग्य की तलाश है, तो आपके सामने तीन युद्ध हैं जीवन में। तो पथ कहाँ आसान हुआ, ये तो युद्ध का पथ हो गया। हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान हमारे लिए युद्ध करते हैं, बाहर से हमें कुछ नहीं पता चलता। गुरु, हम कहते हैं भगवान मेरी नौकरी लगनी चाहिए, बस मैं तुम्हें पूछता हूँ, ध्यान करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब करता हूँ, मेरी नौकरी लगनी चाहिए। अब बेचारे वो क्या, वो लगाएंगे नौकरी, लगाते भी हैं भगवान, करते भी हैं, पूरी इच्छा है, तो वो कैसे करते हैं वो जानते हैं, लेकिन गुरु कहता है मैं नहीं करने वाला भाई, नौकरी तेरी लग जाएगी लेकिन तुझे खुद कुछ चलना पड़ेगा, कुछ रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो गुरु हमें सक्षम बनाता है, हमारे हाथ में जो ये है ना, पौड़ियाँ बोलते हैं उसको, जो जो जिसके पैर नहीं होते वो चलता है उस पर, बैसाखियाँ, बैसाखियाँ हटाता है गुरु। और अगर किसी कोई चल नहीं सकता, उसकी बैसाखी हटा दी जाए, तो उसके लिए पथ आसान होगा ना, मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, एक अंधे के पास लाठी है, उसकी लाठी छीन ली जाए तो पथ आसान होगा ना, मुश्किल होगा। वो तो देख, तो लाठी से तो महसूस करता है, उसकी तो आंखें ही लाठी हैं, वो छीन लिया। तो गुरु का पथ बिल्कुल आसान नहीं है, यहाँ पे दया वया कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अपना साक्षात्कार है, अपने आवरण खुद हटाने पड़ते हैं। जैसे माँ बोलती है सुबह उठ के, यार तुम अपना बिस्तरा तो झाड़ लिया करो, अपनी रजाई और तकिया तो कम से कम झाड़ लिया करो। तो हम कहते हैं नहीं, माँ है, पिताजी हैं, वो कर लेंगे साफ। और वही करती है माँ ही, बेचारी सुबह उठती है, बच्चे उठते हैं लेट, और बेचारी वो रजाई ठीक करेगी, बिस्तर ठीक करेगी। बच्चे कभी करते हैं माँ के होते हुए, कभी बच्चे को देखा है ठीक करते हुए?
नहीं करते बदमाश, तो माँ करती है। लेकिन गुरु खुद कहता कि देखो भाई, मैं तो तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी चद्दर पड़ी है, तुम्हारी रजाई पड़ी है, तुम इसे ठीक करो, ठीक तुम्हें ही करना है। तो कष्ट होगा यार, मैं माँ तो नहीं करने देती थी, अब मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन अब करोगे तो आप अहमियत समझ जाओगे उसकी, कि सफाई हमेशा से ही थी, गंदगी फैली हुई थी, जिसे मुझे साफ करना है, तो गंदगी में उतरना पड़ेगा। तो जीवन में जो गुरु का रास्ता है, जब हमारे जितने भी प्रश्न हैं हमारे मन में गुरु के प्रति, जितने भी हम सब गुरु भाई गुरु बहनें बड़े प्यार से साधना कर रहे हैं, गुरुदेव से सभी प्रेम करते हैं, एक दूसरे से भाई भले ही ना करें हम, लेकिन गुरु से तो सभी प्रेम करते हैं। उस प्रेम को ही नमस्कार है कि आप गुरु से प्रेम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब हम गुरु से प्रेम करते हैं तो हम ये भी समझें कि प्रेम वो हमसे बहुत अधिक करते हैं। वो चाहते हैं, जैसे एक बाप चाहता है अपने बच्चे को कि वो कामयाब हो बाहर जाके, इसलिए घर में गाली देता है, घर में उसको छोटी छोटी बातों पे टोकता है। बाप टोकता है घर में, छोटी सी चीज़ पे टोकेगा उसको, ये ठीक से नहीं किया, वो ठीक से नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि बाहर लोग, मैं तो टोकूंगा, मैं तो डांटूंगा, मैं तो गाली दूंगा, मैं तो जूता मारूंगा, लेकिन मेरे मन में इसको सुधारने की बात है, बाहर वाले लोग इसकी गलती का फ़ायदा उठा लेंगे, तो मैं डांट देता हूँ ताकि इसका कोई बाहर फ़ायदा ना उठाए। गुरु भी बिल्कुल डांटता है, प्यार भी करता है माँ की तरह, ऑब्वियसली काम करवाने के लिए माँ प्यार करके काम करवा लेती है, तो वो काम करवाने का भी माँ बन जाते हैं, लेकिन बाप की तरह डांट भी पड़ती है। कहने का मतलब बस इतना ही है, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो मैसेजेस मैं पढ़ता हूँ, जो मैं फील करता हूँ उस समय, वो बहुत कुछ है जो मैं बात करना चाहता हूँ कई बार गुरु भाइयों से, लेकिन कभी उस तरह से बात कर नहीं पाते हम, क्योंकि किसी दुखी व्यक्ति को संतावना देना बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। संतावना हम दे तो देते हैं बाहर से, लेकिन उससे थोड़े समय के लिए तो ठीक है, वापस जब वो वापस अपनी स्थिति में जाता है तो वो परेशान होता है। संतावना उसको थोड़ा भरोसा जरूर देती है, लेकिन अगर हम सब में अपने आप को संतावना देने का ही प्रकाश हो, ज्ञान हो, शांति हो, तो वो काम ज़्यादा आसान हो सकता है। इसलिए कहना बहुत कुछ है इस चीज़ के विषय में कि हमें कभी भी अपने जीवन में घबराना नहीं, कुछ कुछ भी हो जाए, कितनी भी बीमारियां आएं, कितने भी रोग आएं, कुछ भी आएं, बस घबराना नहीं। ध्यान अगर ना भी लगे, आप नाम जप रहे हो, कोई बीमारी आ गई, तो उससे घबराना नहीं, अपनी साधना को सबसे विशेष महत्व दो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साधना है। साधना अपने आप में बहुत पवित्र है, सबकी साधना पवित्र है। साधना ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी तरह से दूषित नहीं होती। कोई किसी से द्वेष कर सकता है, राग कर सकता है, द्रोह कर सकता है, ईर्ष्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी साधना से बेईमानी कोई नहीं करता। सब चाहते हैं कि मैं अच्छी साधना करूँ, मैं अच्छी साधना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो अपनी साधना के प्रति सभी सच्चे होते हैं, इसलिए कि साधना सबसे उत्तम है। सबसे साधना के बदले में कुछ ना लिया जा सकता है ना दिया जा सकता है। साधना जीवन से ऊपर है, साधना मृत्यु से भी ऊपर है, साधना कभी भी नहीं मरती। जितने भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, अपने अपने हर जीवन में वो अपनी अपनी ऊर्जाओं के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन में, जिस जीवन में योग प्रकट हुआ है, तो वो साधना की वजह से हुआ, पिछले जन्म की कई साधनाओं से हुआ। जिस जन्म में जो साधना की थी, जिस शरीर से की थी, वो चला गया, आपको याद भी नहीं है किस साधना से, किस कर्म से उस शरीर से आपको वो मिला। तो आपका पवित्र साधना थी जो मरती नहीं, कभी भी नहीं मरती साधना। जिस तरह आत्मा अमर है, वैसे ही साधना भी हमेशा से अमर ही है। इसीलिए हम कुछ भी साधना करें, चाहे वो फलित हो चाहे ना हो, उसको कोसना नहीं। अब एक एक स्त्री है, अब एक स्त्री माँ बनती है, एक नहीं बन पाती है, तो वो अपने आप को कोसती है कि मैं स्त्री क्यों हूँ,
बाकी स्त्री अगर माँ बन सकती हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि उस एक स्त्री के लिए माँ बनना शायद सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, सबसे बड़ी फीलिंग होती है। लेकिन जन्म सिर्फ जरूरी नहीं है कि जन्म सिर्फ कोख से भौतिक रूप में ही दिया जाए। अब वो उसको संतावना भी दोगे तो वो नहीं मानेगी जब तक उसको आंतरिक दृष्टि से नहीं पता चलेगा कि कुछ और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में, हमारे शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये भाव जो है कि मैं माँ नहीं बन सकती, ये स्त्री में ही क्यों है, पुरुष में क्यों नहीं? क्योंकि वो जानता है वो नहीं बन सकता, एक्सेप्टेंस है उसकी कि पुरुष नहीं बन सकता, पुरुष जन्म नहीं दे सकता। पुरुष कारक हो सकता है, कारण हो सकता है जन्म का, लेकिन वो स्वयं जन्म नहीं दे सकता, तो उसकी एक्सेप्टेंस है। पर आज का पुरुष अगर कल स्त्री बन जाए अगले जन्म में, तो वो जन्म दे सकता है, और स्त्री जो पिछले जन्म में थी इस जन्म में पुरुष बन जाए तो वो जन्म देना ही नहीं चाहेगी। पुरुष क्यों चाहेगा मैं किसी बच्चे को जन्म दूँ? तो वही स्त्री जो एक जन्म में इस ग्लानि से अपना जीवन व्यतीत कर देती है कि वो माँ नहीं बन पाई, अगले जीवन में पुरुष होके वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है शरीर, क्योंकि शरीर से एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं माँ नहीं बन सकता, मैं पुरुष हूँ। प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम तो सिर्फ शरीर की ही रहेगी फिर, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो किसी भी जन्म में। तो हमने जितने भी जन्म लिए हैं, चाहे ये मुख्य जन्म है पिछले तो हम नहीं जानते, तो इस जन्म में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, लेकिन इससे बड़ी नहीं हो सकती कि एक स्त्री ये सोचे कि मैं माँ बनना चाहती हूँ और मैं नहीं बन सकती। डॉक्टर कहते हैं नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। उसका दुख तो हो समझ सकते हो बहुत बड़ा होगा, तो आपका दुख भी जीवन में ऐसे ही बहुत बड़ा होगा। अगले जीवन में आप दूसरे व्यक्ति बनोगे तो वो दुख नहीं रहेगा, भूल जाओगे। हो सकता है वो दुख मतलब कहे कि नहीं भाई ये तो अच्छा ही हुआ, ठीक ही हुआ, तो बदल गया। तो ना दुख स्थाई है ना सुख स्थाई है, स्थाई सिर्फ साधना है। वही औरत अगर पिछले जन्म में साधना करती, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, अगले जन्म में उसके साधना उसके साथ ही आती, तो हमारी सुख दुख इच्छाएं या कुछ भी है ना, वो परमानेंट नहीं है, या हमारी स्थितियां परमानेंट नहीं है। हम कि कैसी कौन किस स्थिति में रह रहा है, किसको कौन सी बीमारी ने घेर लिया है, कौन किस अवसाद से गुजर रहा है, किसके जीवन में कौन सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी गुरु के आने के बाद भी या नहीं हो पा रहा, आप ये समझ लो कि इस समय जो आपके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है साधना। आपको बिल्कुल साधना को अपनी अपने जीवन से, अपने इस तत्व से कि जिस तत्व में आप इस समय हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो कुछ भी हो, इन सबसे ऊपर सारी चीज़ों से ऊपर साधना को रखना चाहिए। एक ही चीज़ है जो आपके पास अमर है और कुछ भी नहीं। इवन जो कर्म हम कर रहे हैं वो भी फलित हो जाएंगे, वो भी डूब जाएंगे या डुबा देंगे, लेकिन साधना एक ऐसी चीज़ है जो तार देगी। अगर भगवान को देखना है, अगर गुरु को देखना है, अगर उस अदृश्य शक्ति को देखना है, तो अपने आप में सबसे आसान अगर कुछ देखने वाली चीज़ है तो वो हमारी साधना ही है। साधना स्वयं ईश्वर स्वरूप है, साधना में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो रहती है और वही तारती है भवसागर से, वही किश्ती है जो एक जन्म से दूसरे जन्म से दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में हमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करती जाती है और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। तो असली नाव तो हमारी साधना ही है। तो जितने भी हम गुरु भाई हैं गुरु बहन हैं, उन सब के लिए एक ही बात है कि हमारे जीवन में कष्ट बहुत है। आपके जीवन में है मैं जानता हूँ, बहुतों के जीवन में कष्ट है, किसी के जीवन में बहुत कष्ट है, शारीरिक सह नहीं पा रहे, किसी का मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा है, किसी की सिर्फ बहुत ही सिंपल सी समस्या है कि मेरा ध्यान नहीं लगता या मैं नाम नहीं जप पाता, ठीक है, किसी की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। कोई व्यक्ति जब तक इस शरीर में है, जब तक ये शरीर है तब तक रजोगुण बना रहता है, पूरी तरह से शांत नहीं होते, रजोगुण सतोगुण बने रहते हैं। अगर हम तामसिक से बाहर भी निकल जाते हैं, अंधकार से बाहर उजाले में भी आ जाते हैं, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ व्यवहार की वजह से चलता ही रहेगा, हमेशा ही बना रहेगा। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई भी किसी भी जीवन से किसी भी स्तर में गुजर रहा है, एक एक ही लाठी है गुरु के प्रति, गुरु की कोई दी हुई चीज़ हमारे पास है जो अमर है, जो कभी नहीं ख़राब होती या कभी नहीं
हम जिसकी हमेशा रिस्पेक्ट करें वो है हमारी साधना। और अगर हम अपनी साधना की रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि हम साधना जैसे तत्व की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जितने दूसरे साधक हैं, गुरु भाई बहन हैं, वो जिस तरह से भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जो भी उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जैसे भी गुरु उनको ठीक कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, हम उनको एज ए व्यक्ति विशेष नहीं देख के सिर्फ उनकी साधना के लिए उनको सम्मान दें। साधना क्योंकि वो गुरु की साधना कर रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वही एक्चुअल में वो कर रहा है। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव, ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो हमें बुद्धि से कई बार टैकल करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें आवरण हटाने हैं। मुश्किलों के आवरण हम मुश्किलों में गिर के ही हटाते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा तत्व नहीं है जो हमें अचानक से शांति संतोष, ये सारी चीज़ें हमें ऐसे ही नहीं प्रकट होती, ये है ही नहीं कहीं, ये या ये हमेशा ही हैं एक्चुअली। इनके ऊपर सारे आवरण हटाने हैं, तो उन आवरणों को पहचानना होगा, आवरणों से गुजरना होगा, तब वो आवरण हटेंगे। ठीक है, तो कोई बीमारी आ जाती है, ध्यान करते समय आ जाए, साधना में आ जाए, तो विचलित नहीं होना है हमने। सारी बीमारियों के इलाज संभव है, सिर्फ हम पीछे नहीं मुड़ सकते, रुक नहीं सकते। ठीक है, मैं भी तो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं खुद से भी तो बात कर रहा हूँ, मैं खुद खुद भी तो बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा हूँ। ठीक है, तो सबके लिए है, मेरे लिए भी है ये बात, आप सबके लिए भी है ये बात, इसीलिए टेंशन ना लें। ये सफ़र ऐसा ही है सबका, उबड़ खाबड़ ही है, प्लेन वेल मेड रास्ता नहीं है, बहुत खड्डे, और खड्डे दिख जाएं तो गिरेंगे नहीं। अब देख के चलना है कि कहीं कोई खड्डा है नहीं है, तो हमेशा जागरूक रहो, अपने बारे में सतर्क रहो, मैं आत्मा हूँ इस बारे में सतर्क रहो, तो मन से प्रकट होने वाले गड्ढे दिखने लगेंगे, और फिर सारे भेद तो मन के ही हैं, सारी प्रॉब्लम्स भी मन से ही हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स दिखने लग जाएंगी, फिर हम प्रॉब्लम्स में पड़ेंगे नहीं, और जर्नी जो है थोड़ी स्मूथ हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए। शांत रह के चिंतन भी कर सकते हैं, अगर कुछ समझ में आया मेरी बात। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव करण। भैया मेरे दो क्वेश्चन है, एक थोड़ा उल्टा पुल्टा है, एक थोड़ा ज्यादा उल्टा पुल्टा है। मतलब उल्टा पुल्टा क्या, एक तो बस मुझे कंफर्मेशन करना है एक चीज का, और एक आंसर तो दे देना। मैं ध्यान में बैठा था, और ध्यान में बैठते थोड़े समय मैं ऐसे शांत से बैठा रहा कल, और उसके बाद एक चीज मुझे बस अचानक से विचार में पहुंची है। अब ये कंफर्म कर लो ये सही है या गलत है, हम जितना नाम जप करते हैं उतना ही ज्यादा गुरु तत्व क्या है हमारे अंदर आता है, और गुरु क्या है अट्रैक्शन फोर्स है, तो जितना गुरु तत्व हमारे अंदर होता है वो गुरु की तरफ अट्रैक्ट होता है, हम उस अट्रैक्शन को प्रेम बोलते हैं। तो जितना ज्यादा हम नाम जप कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हमारा प्रेम बढ़ रहा है, वो प्रेम ही समर्पण है, और वही समर्पण हमें गुरु तत्व बनाएगा। ये सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, गुरु जो ये बस नाम है ना, एक जो के लिए जो था। जो नाम आप जप रहे हो ना, वो गुरु ही है। जितना आप उसको जप रहे हो, आप उस गुरु को अपने अंदर उतार रहे हो, अपना ट्रांसफॉर्मेशन उस गुरु के रूप में आप कर रहे हो, उस मंत्र में ही ट्रांसफॉर्म हो जाना ही हमारी गति है। ये जो बर्तन है ना, हमारा शरीर रूपी बर्तन है, ये बहुत बड़ा है, तो इसमें हम उसको भर रहे हैं उस मंत्र से। जिस दिन वो पूरा भर जाएगा, आप नहीं रहोगे, मंत्र ही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का कारण है। तो मंत्र ही है गुरु, गुरु और मंत्र में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही है। हाँ, तो मंत्र को इसीलिए पढ़ना कहते गुरु हैं को कि फिर पढ़ना। मंत्र से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हाँ बिल्कुल अच्छा भैया, सही। एक जो मैं अच्छा मतलब एक बहुत मिनट सारे एक लोगों मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम्हारी के बात हम को पिछला में ये थे। एक मिनट करण, तुम्हारी बात में थोड़ा सा और एडिशन करते हैं। हाँ
जैसे हमने कुछ दिन पहले एक सेशन किया था, मंडूक उपनिषद बोल के एक उपनिषद है। मंडूक उपनिषद में आपकी यही बात, पूरा जो उपनिषद है ना वो इसी आधार पे ही है जो आपने अभी कहा ना कि मैं नाम जप रहा हूँ, ठीक है, तो उससे गुरु को उतारना, गुरु में रूपांतरित होना है। मंडूक उपनिषद बिल्कुल यही बात कहता है। वो कहता है कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसको पाने से सब कुछ पाया जा सकता है, एक ही प्रश्न है समझ लो उसमें, जिसको पाने से सब कुछ पाया जा सकता है। अब जो आपने कहा ना कि मैं मंत्र जप रहा हूँ गुरु का, तो उनका उस फिर उसमें जो एक्सप्लेनेशन देते हैं बहुत सारी चीज़ों की, तो मूल एक्सप्लेनेशन उनकी आती है कि एक अक्षर ब्रह्म है, लेकिन इस उपनिषद में, इन ग्रंथों में उस अक्षर ब्रह्म की जानकारी दी हुई है। उस अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं बल्कि उस अक्षर ब्रह्म को धारण करना ही सब कुछ पा लेना है, ये मंडूक उपनिषद कहता है, ठीक है। तो अभी जो अक्षर ब्रह्म है वो है ओम, ठीक है, अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं, वो स्वयं ब्रह्म नहीं है ओम, लेकिन वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, अक्षर ब्रह्म है। तो अगर कोई व्यक्ति ओम 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 बोले, ठीक है, और एक व्यक्ति ओम में रूपांतरित हो जाए, तो जो रूपांतरित हुआ वो ब्रह्म है, लेकिन जो किताबों में लिखा रह गया वो अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है। लेकिन जिसने उसको उतार लिया, जिसने उसको जप के धारण कर लिया, वो ब्रह्म हो जाता है, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। तो जो मंत्र आप जप रहे हो ना, वो जो अक्षर ब्रह्म लिखा हुआ है, वो अक्षर ब्रह्म आप जप रहे हो, आप उसको उतार रहे हो, यानी कि आप स्वयं ब्रह्म में बदल रहे हो। तो जितना मंत्र जाप करोगे, सिर्फ अक्षर ब्रह्म ही है जो ब्रह्म में तब्दील करता है, एक अक्षर ही एक माध्यम है, जिसे कहा है कि ये पूरी सृष्टि शब्द से बनी है और शब्द से ही वापिस मिल सकती है उसमें जाके। तो शब्द अक्षर ब्रह्म है, स्वयं अक्षर नहीं है, स्वयं ब्रह्म नहीं है। तो उस शब्द को धारण करते करते उस शब्द में परिवर्तित, उस शब्द में परिवर्तित होते होते उसके मूल रूप में परिवर्तित होना संभव है, ये गुरुदेव कहते हैं। मंडूक उपनिषद भी यही कहता है, गुरुदेव भी यही कहते हैं, और तुम भी वही कह रहे हो, बढ़िया है, तो सही बात होगी ना, कंफर्म होगी ना। हाँ हाँ, अब दूसरी हाँ, मुझे अचानक मुझे कौन सी एक सेकंड के लिए, और मुझे पता भी नहीं है सही था गलत था, क्या चीज सही था क्या चीज, ये थॉट मैंने बस अपने ध्यान के बाद बैठा था तो अपने आप आया थे दिमाग। हाँ तो देखो ना, शास्त्र हो उपनिषद हो, वो हमारे अंदर नीचे उतर जाते हैं अपने आप। यही तो है कि ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। अब तुम्हें साक्षात्कार चाहिए था, ठीक है, तो तुम्हें मिल गया कि हाँ ये सही है, तुम्हारे अंदर से ज्ञान प्रकट हो। अब कोई किताबी ज्ञान तो हुआ नहीं है, तो तेरे अंदर से प्रकट हुआ ना, हाँ। कोई किताबी तो नहीं है, किताबों में लिखा हुआ वही है जो तेरे अंदर प्रकट हुआ, जिसके अंदर पहले प्रकट हुआ था उसने लिख दिया। तो अब तेरे अंदर वेद उतर रहे हैं, ये उतर, यही तो ज्ञान है हाँ ना। हाँ बस बस यही है। और इसको याद तब रख पाओगे, और इसको याद, अब तुम हमेशा इसको याद रख पाओगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया वही वेद तुम्हारे बाहर प्रकट हो जाएंगे, और फिर वो तुम कभी भूलोगे नहीं। तो तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा सारा परिवर्तन, तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा। कोई तुम्हें कोई प्रश्न पूछेगा कितना भी कठिन हो, अगर तुम्हारे अंदर वो परिवर्तन आ गया, अगर तुम्हारे अंदर वो ज्ञान प्रकट हो गया है, बाहर भी वही है, तो फिर वो कभी आप कहीं भी खड़े हो जाओ, ठीक है, वो गुरु, ज्ञान रूपी गुरु आपके अंदर बैठ गया फिर, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है। थैंक यू भैया। नहीं, एक क्वेश्चन और है बात का। हाँ, बात तो तुमने की, मैंने थोड़ी की, ज्ञान तो तुम्हारा है। तो ये मैंने बहुत सारे गुरु भाइयों को सुना है, गुरु भाई गुरु बहनों को, जिनके अनुभव होते हैं कि हम पिछले जन्म में ये थे, पिछले जन्म में वो थे, ये काका थे, वो ससुर थे, किसी ने भी ये नहीं बताया हम पिछले जन्म में परग्रही थे। तो क्या मतलब दूसरे ग्रह पे जीवन नहीं होता है क्या, मतलब अपन एक हैबिटेबल जोन में रहते हैं इस कारण से धरती पर जीवन है। ऐसे कई सारे सूर्य हैं, उनके कई सारे हैबिटेबल जोन है जहां पर जीवन पनप सकता है, तो उनका पुनर्जन्म का इकोसिस्टम अलग होता है, अपना अलग है, या फिर क्या सिस्टम है, क्या अपनी अनुभूतियों से हम क्या नकार सकते हैं कि बाकी जगह जीवन नहीं है, या फिर कभी इंटरेक्शन भी होता है उनसे ध्यान में। हम पृथ्वी से सिर्फ शरीर से तो नहीं जुड़े ऑब्वियसली, हाँ है ना, हम अलग अलग लोगों की बात करते हैं पर कभी अलग अलग ग्रहों की बात नहीं करी हमने। एक मिनट,
हाँ, तो अलग अलग ग्रहों की बात नहीं की हमने कभी। लोक तो अपन बताते हैं, ये लोक है, मृत्यु लोक है, अमृत लोक है, ऐसा कुछ। लेकिन दूसरे ग्रह जहां पर मृत्यु लोक के फीलिंग्स परे जीवन मरण का सिस्टम हो, जहाँ से जैसे अपने दूसरे। यहाँ पे कार्बन बेस्ड लाइफ साइकिल होती है, हो सकता है कहीं और सिलिकॉन बेस्ड लाइफ साइकिल हो, मल्टीवर्स। लेकिन हो कौन सकता सी है कि पिक्चर देख रहे हमारा हो? स्पाइडरमैन देखी है जाना क्या? हुआ नहीं। हाँ, स्पाइडरमैन देखी है क्या? मल्टीवर्स देखी है क्या? नहीं देखी, 2014 में आखिरी मूवी देखी थी। एक पिक्चर आ रही है नई, डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2। उसमें मल्टीवर्स का कंसेप्ट बढ़िया। है। मेरे उसके जैसे ही कई डॉक्टर स्ट्रेंज है, या कह लो कई स्पाइडरमैन है, जो अलग अलग जोन, अलग अलग जोन में, ठीक है, उनको मल्टीवर्स कहा गया है। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं ना, एक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम, एक सिंपल यूनिवर्स की। ठीक है, अब मेरी गति कहाँ से होती हुई आ रही है इस पूरे यूनिवर्स में? ठीक है, अब वो पूरा अंदाज़ा तो वही लगा सकता है जिसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, उससे पहले जब तक वो प्राप्त ना हो, तब तक तो हम पुनर्जन्म पहुँच जानना, समझना, मेरे ख्याल से ये तो इस शरीर की लिमिट है। क्योंकि मेरा शरीर एक तत्व में है या फिर चीज़ में है, तो मुझे अगर प्राप्त होता भी तो मैं इस धरती के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है उसको जान सकता हूँ। लेकिन अगर मुक्त हो गए पूरी तरह से, इस प्रकृति से मुक्त हो जाएंगे ना, उसके बाद ही जो है वो गहरे रहस्य कुछ ऐसे हैं जो बाद में ही शायद खुले। तो ज़रूरी नहीं है करण इतने सारे प्रश्नों का आंसर होना भी, क्योंकि हम वहाँ पहुँचे भी नहीं। जिस जो प्रश्न आपने पूछा है ना, हम वहाँ पे पहुँचे भी नहीं। और बिल्कुल अगर हमारी चेतना पहुँचे उस लेवल पे भी पहुँचे, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो, ह्यूमन का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भगवान में तब्दील होना सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इस धरती पे हैं और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कृष्ण में हो रहा है, जो दूसरे ग्रह हैं, जो दूसरे प्लैनेट हैं, वो कृष्ण से बड़े तो हो नहीं सकते, कृष्ण ने क्रिएट किए होंगे। तो अगर मैं हाँ, इस प्लैनेट पे रह के अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कृष्ण में कर सकता हूँ, तो सबसे उच्चतम ग्रह तो पृथ्वी ही हुआ, कहीं और हुआ? बिल्कुल क्योंकि आपने कहा कि कोई सिलिकॉन से बना हो सकता है, हम अगर मांस बने हुए हैं तो कोई सिलिकॉन से बना हो सकता है। तो वो उच्चतम, वो पुरुष, जो पुरुष की बॉडी, जो इस समय इंसान, हमारी जो बॉडी है, मानव की जो बॉडी है इस धरती के ऊपर, वो बॉडी उससे अलग है। सिलिकॉन बॉडी अलग होगी, ये बॉडी अलग होगी। तो भगवान कहता है कि मानव शरीर उच्चतम शरीर है, ये वाला, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है वो इसीलिए आर्म। पहुंच आया था। तो हाँ, क्या आया था? थॉट आया। अच्छा, तो ये जो धरती के ऊपर इस समय हम हैं, ये फाइन, ये सबसे सारे ग्रहों से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे उत्तम ग्रह अगर कोई है इस समय, तो वो पृथ्वी होना चाहिए, जो हमें भगवान में परिवर्तित कर दे। और किसी ग्रह पे अगर है, या दूसरी तरह की त्वचा है, या कुछ भी है ना, हम जानते हैं ना कि परब्रह्म ने ही क्रिएट किया है सब कुछ, शब्द अक्षर ब्रह्म से ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, तो अलग अलग ग्रह भी उसी से क्रिएट हुए हैं। लेकिन उसमें तब्दील हम बिल्कुल सिर्फ इस ग्रह में हो सकते हैं, ये जानकारी हमें पक्की है कि ये शरीर सबसे उत्तम शरीर है। तो कोई सिलिकॉन का बना है, कोई लोहे का बना है, कोई सोने का बना है, वो सारे के सारे शरीर तुच्छ हो जाएंगे। इस हार्ड मास के शरीर से बड़ा शरीर किसी भी एलियन का होना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई हो नहीं सकता। तो बिल्कुल जो फिल्मों में दिखाते हैं कि वहाँ से आया सुपरमैन, बड़ा स्ट्रांग है, धरती को उड़ा दे रहा है, तो मेरे ख्याल से सुपरमैन अगर कोई हो सकता है तो वो धरती से ही हो सकता है। किसी भी एलियन में, किसी भी ग्रह के एलियन में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए जो इंसान को कब्जा कर सके। हो सकता है ट्राई कर भी रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे किसी वजह से, हो सकता है ना, सब हम तो नहीं जानते। लेकिन मेरे हिसाब से, मैं यहाँ से बिल्कुल देख रहा हूँ, तो मानव शरीर उच्चतम शरीर है, इससे बड़ी गति पूरी क्रिएशन में नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी स्थिति में है हम इस समय, और ऊपर से योगी जीवन है। अच्छा, जीवन के भी अलग अलग हैं, कोई योग में नहीं है, कोई तामसिक में है, कोई राजसिक में है, आप योग में हो, सात्विक से भी ऊपर योग है। तो उच्चतम शरीर, उच्चतम अवस्था, उच्चतम जीवन। तो मेरे ख्याल से धरती ही सबसे महत्वपूर्ण है पूरे ब्रह्मांड में। हाँ, यही ऐसी बात मैंने वैराग्य शतकम में भी पढ़ी थी। वहां पर भी यही बोला था कि तीन चीजें मोक्ष के लिए जरूरी है, एक मानव शरीर, एक गुरु और एक मुमुक्षु, और ये तीनों चीज योगी में होती है। ये बात शंकराचार्य जी ने कही थी, तीन चीजें होनी जरूरी क्या हैं जी। चीज क्या बताई?
मुमुक्षता। मोक्षता, हाँ, मोक्ष की तरफ, मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष मोक्ष, मोक्ष। हाँ, मोक्ष की तरफ मतलब झुक आगे बढ़ना, मतलब एक तो जीवन मिला, जीवन में फिर गुरु मिला और फिर और और मोक्ष की इच्छा मोक्ष जागी। मोक्ष की कामना जागनी। हाँ, मोक्ष की तरफ अग्रसर होना, ये तीन चीजें इन सबसे ठीक उच्चतम है है। सर। जिस जिस जीवन में ये तीन चीजें हो जाए वो उच्चतम जीवन है। यही उच्चतम जीवन है जी हमारे हाँ, लिए यही, तो। इसीलिए तो ये उच्चतम जीवन है। हाँ, हम सबसे बड़े एलियन हम ही है। वीआईपी कैटेगरी में आ रहे हैं हम। हाँ भाई, हाँ, वीआईपी एलियन से हम लोग। तो जितने भी ग्रह होंगे भी, अगर जहाँ भी कहीं जन्म कहीं होगा, जीवन होगा, तो फाइनली उनको यहीं आना पड़ेगा, धरती पे ही आना पड़ेगा। देवी देवताओं को एलियन ही मान सकते हो आप, क्योंकि मंगल तो एलियन हो गया ना हमारे लिए। जैसे आपने कहा अभी कि हाँ मंगल ग्रह पे तो कोई तो होगा, तो मंगल ग्रह पे मंगलदेव एलियन हो गया हमारे लिए, और देवी देवता भी तरसते हैं मानव शरीर को। ये बात फिर से प्रूव हो जाती है कि अगर वो एलियन होकर तरस रहे हैं, यानी कि मानव शरीर देवताओं के शरीर से ज़्यादा बड़ा है। पूर्णता इधर ही मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, मिल सकती है। तो ये यही महत्वपूर्ण है, एलियंस हमारे देवी देवता ही हैं सारे। ठीक है भैया, जय श्री गुरुदेव, जय गुरु, जय श्री गुरुदेव। हम एलियंस की पूजा करते हैं, देख लो। हमें जाना है मंगल पे अगले जन्म में, शुक्र पे जाना है। मुश्किल हो जाएगी लेकिन देख लो। इसलिए गुरु को पूजना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गुरु को पूजना ज़्यादा समझदारी है। अगर किसी ने मंगल ग्रह पे पैदा होना है तो फिर ठीक है, मंगलवार को मीट मत खाओ, बाकी तुम खा लो, खाना ही नहीं चाहिए वैसे तो, मजाक की बात है। जय श्री गुरुदेव आप सबको, जो लोग यूट्यूब पे हैं आप सबको जय श्री गुरुदेव। अच्छा, और कोई गुरु भाई कुछ विचित्र और बहुत विचित्र प्रश्न करण की तरह लेके आया है? तो कुछ भी विचित्र नहीं है, देख लो, हमें विचित्र जय लगता श्री है लेकिन गुरुदेव, विचित्र है नहीं। जय श्री गुरुदेव। जी जय श्री गुरुदेव। भैया जी, एक अक्षर आज मुझे आपके माथे पर दिखाई दे रहा है अच्छा, जिसकी चर्चा हो रही है, ओम। हाँ, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, बहुत देर के वजह से शुरू हुआ सेशन, तभी से मैं देख रही थी। मुझे आज वो दिखाई दे रहा है। सही दिखाई दे रहा है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु। और कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहता है? अरे हाँ बेटा, हाँ जी मम्मी जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव माता जी। जय गुरु भैया, हाँ जी, जय गुरुदेव माता जी। माता जी। अभी तो आपने हाँ बोला हाँ बेटा, ठीक है, हाँ कह रही हो। अभी तो आपने बोला अरे हाँ बेटा। मेरा मेरा बच्चा है हाँ, तो तो हम भी आपके बच्चे हैं, हमें बच्चा भैया, बना लो अपना। भैया नमस्ते भैया, हाँ राधे नमस्ते, राधे, जय राधे गुरुदेव राधे, जी। जय श्री गुरुदेव। भैया एक बात पूछनी थी, हाँ तो जी, आप सोचो कि कैसे गुरु बन अपन गुरुदेव जी से, एक मिनट ना बेटा, गुरुदेव से पूछे कि जो अपन मंत्र करते हैं, हाँ आगे। घर घर में तो सब ठीक है, लेकिन जैसे कि ये कुंडली जागृत नहीं कर रहे और नॉर्मली रहने दे हमको, ऐसा होगा? हम घर में रहते हैं इसलिए कुंडलिनी जागृत मत करो हमारी, यही बात है। हाँ तो नहीं हाँ, मतलब बहुत कठिन कठिन नहीं, मतलब था। इतना जो हो सकता है, मुझे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। आपकी बार पिछली बार जब मैंने कहा जब इतना कष्ट नहीं, अब की बार ज्यादा कष्ट हो रहा है। सेशन शुरू से नहीं देखा ना, नहीं यहाँ सेशन काम शुरू से। पहले आधे घंटे का सेशन देखना, अच्छा बिल्कुल लेट आते हो लेकिन आपका, देखो गुरुदेव कितना ख्याल रखते हैं, आपकी आपके प्रश्न पहले आप आंसर हो गया उसका। पहले आधे घंटे का सेशन अच्छा, देखना, नहीं चलेगा। हाँ पहले आधे घंटे का सेशन देखना,
और फिर समझ में आ और जाएगा। ये तो वैसे ही मतलब मैं ना अब आपकी बात जैसे मैं बाद में आपकी बात बाद में चलाती 9-10 बजे से जब काम नहीं पड़ रहा था तो, लेकिन आपकी बातों से इतना अच्छा लगता है जो आप जो बोलते हैं वो ज्ञान की बातें ये सब। और मेरे को तो वैसे ही सामने आज आज फिर गंगाईनाथ गुरुदेव जी आए तो फिर को सो रही थी। क्या बात है। हाँ 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 और उसके बाद फिर राधा कृष्ण जी डांस कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है, बढ़िया लेकिन मेरे एंटरटेनमेंट को है। ना सर में बहुत भैया कष्ट हो, क्या प्रॉब्लम है मतलब फिर मैं सोच लेती हूँ ज्यादा भयंकर सोच ली हूँ मतलब गुरु जी आप फिर गुरु जी के सामने ही बोलती हूँ जाके मेरे को आप राधा दिखा भी रहे हो सब कुछ दिखा रहे हो मुझे कष्ट क्यों हो रहा है इतना। या मैंने कोई आपसे गलत गलत बोला है या किसी से गलत बोला है बताओ उसका। मैं रोज रोज मैं क्वेश्चन उनसे करती हूँ और जब मैं रोती हूँ उनके सामने तो मैं जी हल्का हो जाता है जी हल्का होता है सर भी हल सब सही हो जाता है। क्या ये एक वो भी है कि अपन सब कुछ छोड़ दे उनपे। हाँ, सब कुछ छोड़ दें उनपे, कष्ट तो होता है। मैंने अभी आधा घंटा जो पहले सेशन चला है ना, वो हमने सिर्फ कष्ट पे ही बात की है। आज सेशन का हाँ नाम ही है कष्ट। ठीक है। मतलब और इतना सर में इतना भैया दर्द होता है पीछे कहीं कभी यहाँ गाल की तरफ इतना अजीब सा लगता है कहीं नोज में मैंने पता नहीं। फिर मैं गुरु जी के सामने आ जाती गुरु जी आप ही संभालो मेरी जिंदगी आपके पास है। अभी आपको सिर में दर्द हो रहा है, सिर में पीछे दर्द अभी होता है। हाँ मैं बताऊं, ये चेस्ट है ना मेरी, इसमें यहां पे एक हड्डी है। इस हड्डी को अगर मैं सिर्फ टच करूंगा ना, तो मुझे पेन हो रहा है। सिर्फ टच कर रहा हूं, प्रेशर कोई भी नहीं है। मतलब जरा सा भी अगर प्रेशर डालता हूँ ना, तो उसमें भयंकर दर्द है। भयंकर मतलब भयंकर वाला दर्द, करवट बदलने में दर्द, इतना दर्द है वहाँ पर। तो हमने क्या किया, हमने आज हल्दी लगाई। हम क्या कर सकते हैं दर्द में। शरीर, मैं गुरु जी मेरा से कहने का अर्थ ये है गुरु बहन, कि अभी जो आधे घंटे पहले सेशन भी यही हुआ ना, कि ये रास्ता जो गुरु का रास्ता है ना, ये हमें फूल मिलेंगे ही नहीं कहीं भी। अच्छा बहुत कष्ट है, बहुत, मतलब गड्ढे ही गड्ढे हैं। और हमें रास्ता गड्ढों वाला इसलिए है कि हम उन गड्ढों को देख सकें। तो हमें, अगर हमें गड्ढों को देखना है, तो हमें उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा ना जिस पे गड्ढे हों। हमारे जीवन में जो बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफें हैं, तो वो गड्ढे हुए। तो हमें उनको दूर करना है, तो हमें पता होना चाहिए किस गड्ढे को भरना है। तो हमें गड्ढे के दर्शन होने चाहिए, तो गड्ढा दिखना चाहिए। तो गड्ढा तब दिखेगा ना जब वो जीवन में प्रस्तुत होगा। तो दुख तकलीफें आपके जीवन में जब प्रस्तुत होंगी, तब आपको समझ में आएगा इनका कारण क्या है। और कारण को हटा दोगे, तो वो जो जिस जिस पे गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं, फिर साधना भी पूरी हो जाएगी। और वो पूरा जो रास्ता आप तय करके आए हो, पीछे देखोगे ना, जब साधना हो जाएगी, अपनी साधना पीछे देखोगे, तो पूरा समतल दिखेगा, कोई गड्ढा नहीं दिखेगा। आगे देखोगे तो सारे गड्ढे कांटे, लेकिन जिस कदम आगे बढ़ गए ना, पीछे कदम बिल्कुल फूल ही नज़र आएंगे। लेकिन फिर भी पीछे जाओगे नहीं फूलों पे चलने के लिए, यही विचित्र माया। मैं गुरु जी से बोलती हूँ गुरु जी मेरा तो आप अने मेरी देवी माँ ने मेरे को दूसरा जन्म दिया है इतनी बड़े रोग से उठाया मुझे तो मुझे इतना अब कष्ट क्यों दे रहे हो इतना कष्ट क्यों हो रहा है मुझे। ताकि फिर से उस बीमारी में ना फंसो। ऐसे जीवन में हाँ जो कष्ट हैं, बीमारियां हैं, इनसे निकलना भी जरूरी है। वो तो हाँ शारीरिक वो तो कष्ट मैं होगा। निकल गई पॉजिटिव रही थी पॉजिटिव बहुत रही थी जिस टाइम निकल गई मैंने अब मेरे को कष्ट क्यों हो रहा है जीवन में। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि साधना में, ये साधना का ये जो कष्ट है ना, ये हमारे सारे कष्टों का निवारण करेगा। ये कष्ट ऐसा नहीं है कि हर जन्म, ये जो जैसे कष्ट हम पहले भोगते हैं अनेक जन्मों में, कार्मिक कष्ट जो होते हैं, वो कष्ट और साधना वाला कष्ट बिल्कुल अलग है। ये दोनों अलग चीज़ है। एक सेकंड गुरु बहन, होल्ड करना। किसका लेना है क्या चीज़? किसका लेना है दवाई लेंगे डॉक्टर से बात किया है किस चीज़ का? किस चीज़ का आएगा? एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं होल्ड कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? आगे। आगे। आगे।
हाँ कितने का ले लो, लिखवा तो लो एटलीस्ट। हाँ ठीक है ले लो ले लो। जैसे सो देना मैं बहुत रखे उसमें। अच्छा हाँ, तो मैं बात कर रहा था हाँ अपनी भैया बीवी से, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था, वो डॉक्टर की दुकान पे है, दवाइयाँ ले रही है, तो कष्ट तो सब जगह ही है। ठीक है, तो है, कोई सच बात में नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु के प्रति, अपनी साधना के प्रति हम दृढ़ रहेंगे ना, हम डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पथ ही ऐसा है। बस इतना पता है कि गुरुदेव इस समय अगर मेरे गुरु मुझे याद है मेरे दुख में भी, तो मेरे लिए इससे ऊंची स्थिति नहीं हो सकती। दुख मेरे लिए, बल्कि मेरे लिए तो दुख, मैं तो कहता हूँ कि ये वरदान की तरह है, कि दुख में भी मैंने तुझे याद रखा है। सुख में तो सभी याद करते हैं, मैं तो दुख में भी कभी तुझे याद करता मैं हूँ। कभी कभी मेरे दिल से कहता है कि नहीं करूं आज, मतलब हाँ ध्यान योग नहीं करूं। लेकिन वो ऑटोमेटिक, मतलब भैया मैं बिस्तर में सुबह मॉर्निंग उठ जाती हूँ और शाम को उठ जाती हूँ। सोचती हूँ कुछ नहीं करूं, छोड़ दूं 15-20 दिन, देखती हूँ कैसी रहती हूँ मैं। फिर वो ऑटोमेटिक, मतलब एक जो होता ना उनसे नशा रहता है वो हो गया है। हाँ, यही तो हाँ है, यही तो सबसे बड़ी बात है। इसी की तो बात हमने किया आज, सेशन ही आपके लिए हुआ है, आप तो बाद में आए, सेशन आज आप ही को करना चाहिए था। आप, मैंने जो बक बक आधा घंटा की, आपने वो 5 मिनट में बोल दिया, आप ज़्यादा बेहतर सेशन हाँ करते हो। तो मैंने पता नहीं, फिर मैंने भैया से पूछा, ये मेरे साथ जैसे जैसा जब सर में जब ज्यादा होता है, कभी यहाँ चेहरे में भी होता है क्या भैया? ये हमारा एक यहाँ क्लेश होता है, ये हमारा एक क्लेश है गुरु बहन, जिसे हम कहते हैं अभिनिवेश। पंच क्लेशों से हमारा जीवन भरा हुआ है, अच्छा उसमें से एक क्लेश है अभिनिवेश। तरह तरह का डर लगना, शरीर शरीर डराता है हमें, कभी कहीं दर्द लेके आएगा, कभी कहीं कोई बीमारी लेके आएगा, तो वो अभिनिवेश हाँ एक ये गड्ढा तो है। ऑटोमेटिक। तो अभिनिवेश एक गड्ढा है, तो वो बार बार हमें तब तक दिखता रहेगा जब तक हम उसको भर नहीं देंगे, हाँ है ना? तो अच्छा एक बार उस गड्ढे को भर दिया, फिर कभी कोई डर उत्पन्न नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने फिर फोटो के सामने आ जाती हूँ आज, मैंने हाँ आप ही जानो मेरे पापा हो, आप ही हाँ जानो, वही फिर ठीक हो करेंगे, जाता वही है वही करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे। इसीलिए। हम रहते हैं भाव में कि हम कर रहे हैं, लेकिन करते तो एक्चुअली वही हैं, ठीक है, दिखाते भी वही हैं, गड्ढे के पास भी लेके जाते हैं, और फिर कहते हैं इसी को भरना है तूने अब। तो हो तो मैं फिर जाएगा, मेरे आज भैया से बात करूंगी कि बहुत इतना अच्छा। दर्द होता है कि नॉर्मल क्यों नहीं होता सिर हाँ नहीं, अभी जैसे हमारे नॉर्मल। गोविंद भाई हैं, उनका दर्द इतना हो रहा था, परेशान थे बहुत ज़्यादा। गोविंद भाई, उनको बहुत सिर दर्द हुआ था, बहुत भयंकर सिर दर्द हो रहा था। मुझे भी बहुत हुआ था, मुझे तो 2 महीने हुआ था, फिर मैंने तो साधना छोड़ दी थी। आप तो बहुत बहादुर हो, बहुत ब्रेव हो कि आप सुबह फिर उठ के बैठ जाते हो, मैंने तो साधना ही छोड़ दी थी, मैंने कहा राम राम गुरु जी। साधना तो दीपशिखा दीदी ने बोला था, तो उनने मेरे को पिछले साल मार्च से शुरू की, मैंने पिछले साल 1 साल होने वाले हैं, कुछ भी हो जाए मैं करती जरूर हूँ, मतलब 2 मिनट करूँ 3 मिनट करूँ 3 मिनट करूँ, नहीं करती जरूर हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात मेरे पापा भी ऑफ हो गए थे, वहां भी भले कुछ भी हो जाए 2-3 मिनट जरूर की जरूर मैंने। लेकिन बस। वहां भैया मेरे अपने मायके में गई थी, जब बहुत ही मैं एक होता ना कुछ कोई कोई सोच विचार नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल हाँ शांत दिमाग था, नॉर्मल शांत कुछ नहीं। मैंने ये समझ में नहीं आया, मैंने बोला मेरे घर में या तो वहां मेरे मायके में जाके बिल्कुल शांत करा सिर, बिल्कुल कुछ सिर दर्द नहीं, कोई चक्कर नहीं कुछ नहीं, ऑटोमेटिक कुछ होगा। गुरुदेव से मैंने मांगा था, उसे अब ये मेरे को बात आप अपने यहाँ ससुराल में मत बोल देना, लेकिन तो मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं, मायके में तो बहुत अच्छी थी वहां पर। मैंने बोला पता नहीं सब। अगर मायके में बोल दिया मम्मी पापा को मेरा तो ससुराल में बड़ा सर दर्द होता है, तो वो बेचारे अलग टेंशन में पड़ जाएंगे, हमारी बेटी क्यों इतनी परेशान रहती है। पता नहीं छोड़ो मना, चलो हो सकता है मेरी थिंकिंग थिंकिंग गलत नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, जो होता है होने, तो बस नाम जप और बस साधना करो, एक बाकी जो हो रहा है अब सबके जवाब तो हम नहीं ढूंढ सकते, लेकिन
साधना से आपको प्रेम है, ये बहुत बड़ी बात है। और पूरा सेशन आप आज जरूर देखना, सिर्फ बोल दिया मैं देखूंगी ऐसा नहीं, देखना जरूर। ठीक है? नहीं मैं क्या रात को भैया आपका रिकॉर्डिंग हो जाता फिर मैं देखती हूँ। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, ये दूसरे दिन देख लेती क्योंकि ना बच्चों को पेपर चल रहे हैं तो पढ़ाना पड़ता है। हाँ अच्छा अच्छा हाँ मेरे बेटे के भी पेपर चल रहे हैं, मैं अभी उसे पढ़ाता हूँ पूरा दिन। इसलिए जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन जी। चलिए तो अभी 8 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, तो आज का सेशन जो हम कर रहे हैं 8 बजे तक कर रहे हैं, क्योंकि फिर इंग्लिश सेशन भी है, जो गुरु भाई विदेश में रहते हैं जो हिंदी नहीं जानते उनके लिए भी एक सेशन होता है, उसका समय 8:15 बजे, चाय पानी का टाइम हो जाएगा मेरा 5-7 मिनट में। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, उम्मीद है कि अच्छा ही रहा होगा सेशन गुरु कृपा से, और गुरुदेव को समर्पित है सारी चीज़ें। हम लोग कल मिलेंगे सुबह सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, 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 जय श्री गुरुदेव।